भारत के डॉन ब्रैडमैन को टीम इंडिया में मिल गया मौका, अब इंग्लैंड की लगा देगा लंका। आखिर टीम में आ ही गए सरफराज खान, भारत पॉजिटिव ने भी खिलाने की उठाई थी मांग। केएल राहुल की जगह टीम में हुई है एंट्री, दूसरे टेस्ट से शुरू हो सकती है सरफराज की जर्नी। सरफराज खान नाम तो सुना ही होगा, ये वो नाम है जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कोई पहचान नहीं, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में उन्हें भारत का ब्रैडमैन कहा जाता है। आखिर इस इंडियन ब्रैडमैन को मौका मिल ही गया। हम लगातार ही इंडियन मैनेजमेंट और सेलेक्टर से ये गुजारिश करते रहे हैं कि इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया जाए। जहां इससे कम परफॉर्मेंस करने पर भी प्लेयर्स को खेलने का मौका मिल रहा है, वहीं इस खिलाड़ी को भी आजमाया जाए जो लगातार शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। आखिरकार भारत पॉजिटिव की मुहिम रंग लाई, हमारी खबर का कुछ तो असर हुआ और ये खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। इंडियन बैट्समैन सरफराज खान, जिन्होंने सेलेक्टर्स की लगातार अनदेखी के बावजूद भी अपने परफॉर्मेंस से आखिरकार अपने लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुलवा ही दिया और अब तो टीम के स्क्वाड में अपनी एंट्री भी कर ली है। और इसकी पूरी उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट में सरफराज खान डेब्यू कर सकते हैं। सरफराज एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उनकी कंसिस्टेंसी ही ऐसी है कि उन्हें भारतीय ब्रैडमैन कहकर बुलाया जाने लगा। आंकड़े बताते हैं कि सरफराज खान पिछले तकरीबन 4 सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। सरफराज खान ने 2022-23 सीजन में 6 मुकाबले खेले, जिसमें इस युवा बल्लेबाज ने 92.66 के एवरेज से 556 रन बनाए, साथ ही 3 बार शतक का आंकड़ा पार किया। इसके बाद 2021-22 के सीजन के 6 मैचों में सरफराज खान ने 122.75 की एवरेज से 982 रन बना डाले, जिसमें 4 शतक दर्ज हैं। इन आंकड़ों के बावजूद भी हैरानी होती है कि ऐसे खिलाड़ी को आखिरकार टीम इंडिया में जगह क्यों नहीं मिली। भारत पॉजिटिव ने लगातार ही आवाज बुलंद की और आखिरकार अब जाकर सरफराज को टीम में एंट्री मिल ही गई, लेकिन उन्हें केएल राहुल की इंजरी की वजह से टीम में शामिल किया गया। दरअसल केएल राहुल ने दाई जांग में दर्द की शिकायत की, जिस वजह से वो दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। जाहिर है ऐसे में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो केएल की जगह खेलेंगे, जिसकी संभावना है। आपको बता दें कि 2022-23 सीजन से पहले भी सरफराज खान ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया। अगर हम आंकड़े देखें तो 2019-20 के सीजन में मुंबई के लिए सरफराज ने 6 मैच में 154.66 की शानदार औसत से 928 रन बनाए, जिसमें 3 शतक जड़े। पिछले दिनों इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ सरफराज खान गजब फॉर्म में नजर आए। इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ सरफराज खान ने 96, 4, 55 और 161 रन बनाए। इससे पहले पिछले साल दिसंबर महीने में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ सरफराज खान ने 68 और 34 रन की दमदार पारी खेली। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये वही सीजन था जब सरफराज सुर्खियों में आए थे और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते आखिरकार उन्हें टीम इंडिया में मौका मिल ही गया, वो भी इंग्लिश टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, जो टेस्ट हर खिलाड़ी का सपना होता है। आखिर में हम तो यही कहेंगे, ऑल द बेस्ट सरफराज, अगर मौका मिले तो चूकिएगा मत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।